रामटेक लोकसभा सीट पहले भी उद्धव ठाकरे की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, यह कहना है युवा सेना सचिव वरुण देसाई का। वह आज यवतमाल दौरे को लेकर नागपुर में आए हुए थे। रामटेक लोकसभा में उबाटा शिवसेना का ही परचम लहराएगा। रामटेक शिवसेना का गढ़ रहा है। इस बात के साथ रामटेक में शिवसेना की दावेदारी का ऐलान वरुण देसाई ने नागपुर में किया है। उन्होंने कहा कि रामटेक में शिवसेना की बड़ी ताकत है और आगामी चुनाव में शिवसेना की सीट ही जीत कराएगी, ऐसे भी उन्होंने कहा है। इसी के साथ उन्होंने प्रकाश आंबेडकर को भी आने का आह्वान किया है। जवळपास सगळं निश्चित झालेलं आहे। उद्धव ठाकरे साहेबांनी मला वाटतं आमच्या 70-80% उमेदवारांची घोषणा देखील केलेली आहे। अवघ्या 10-20% जागांबद्दलची जी काय बोलणी सुरू आहे त्या संदर्भात सुद्धा वरिष्ठ नेते लवकरच सांगतील। मला वाटतं उमेदवार कोण असतील, काय असतील आणि काँग्रेसचे कोण असतील हे काँग्रेसचे नेते सांगू शकतील। त्या संदर्भात मी सांगायला काही योग्य व्यक्ती नाही। आंबेडकर साहेबांनी महाविकास आघाडीसोबत यावं असं प्रत्येक महाविकास आघाड्याच्या नेत्याची इच्छा आहे। खरं तर परवा जेव्हा राहुल गांधी साहेबांची दादर येथे शिवतीर्थावर सभा झाली तेव्हा देखील ते व्यासपीठावर उपस्थित होते आणि त्यामुळे त्यांना देखील सन्मानपूर्वक किती जागा देता येतील या संदर्भात सुद्धा शिवसेनेची तयारी आहे, काँग्रेसची आहे, राष्ट्रवादीची आहे। आता निर्णय हा त्यांनी घ्यायचा आहे, त्यामुळे जो काही निर्णय ते घेतील पाहूया। रामटेक लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। देखना होगा कि कौन सी पार्टी अपना परचम लहराने में वह कामयाब होती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ प्रकाश शुंखलवार की रिपोर्ट।